हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिनेश शर्मा और फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दो तीन दिन से हम क्लास नहीं ले पाए थे। आई वॉज बिजी समवेयर इन वेरी अर्जेंट असाइनमेंट। एनी हाउ नाउ आई एम फ्री एंड नाउ आई एम अवेलेबल। सो हम आज करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है। देखिए, फ्री फॉल एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको यहाँ कन्फ्यूज़न रहते हैं तो साइन कन्वेंशंस में स्पेशली हमें दिक्कत है। हम उसको यदि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम फ्री फॉल के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम ग्रॉस मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है और इसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं। फ्री फॉल इज़ दैट व्हेन समथिंग इज़ फॉलिंग फ्रीली, है ना। फ्री फॉल जिसका हो रहा है, दैट इज व्हेन सम बॉडी इज हेयर, से सम स्टोन इज हेयर एंड दिस स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस हाइट, से आई ड्रॉप दिस पेन फ्रॉम दिस हाइट, तो क्या होगा। ये पेन कहीं ना कहीं जाएगा। ये पेन कहाँ को जाएगा? अब ये पेन यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि नीचे जाएगा? सो इट इज कमिंग डाउनवर्ड। एंड वाई इट इज कमिंग डाउनवर्ड? बिकॉज समथिंग इज पुलिंग इट टूवर्ड्स इट सेल्फ। अब मैं किसी को खींचूं तो वो चीज़ मेरी तरफ आएगी ना। तो यहाँ पर अर्थ इज़ अप्लाइंग अ फोर्स, और फोर्स का नाम आपको याद है क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, जिसको हम अब शॉर्ट में ग्रेविटी भी कहेंगे, राइट। तो ग्रेविटी मीन द फोर्स विच इज़ राइट बाय द अर्थ ऑन दिस बॉडी। सो ड्यू टू ग्रेविटी दिस बॉडी, दिस स्टोन इज कमिंग डाउन, इज इट। सो हेयर वी कैन मैनेज टू थिंग्स। नंबर वन, दिस ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। इसको बहुत ऊपर ले जाके नहीं छोड़ेंगे। उसका रीज़न क्या है कि उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज इफ समथिंग इज पुल्ड, राइट, जब किस पे फोर्स लगता है ना तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता यदि ये हाइट बहुत ही ज़्यादा होगी तो, क्योंकि इसका रेडियस जो है दैट इज से आर। सो व्हेन दिस हाइट, जहाँ से आपने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, दिस हाइट इज मच मच लेस एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक और हमारा यूनिट है ग्रेविटेशन वहाँ पे जाकर, लेकिन दिस हाइट शुड बी लेस। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड वी कैन निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, देन दिस बॉडी विल बी कमिंग डाउन विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एंड इट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जी, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट्स वैल्यू इन एसआई इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विच इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो इफ ए बॉडी इज कमिंग डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, देन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, एंड सच मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो हमें कोई पूछे कि फ्री फॉल क्या होता है तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें कहना चाहिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, देन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल, राइट, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फ्री फॉल एक्सेलरेशन। और ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन, बॉडी जो रिलीज की जा रही है उसकी डेंसिटी के ऊपर, उसके मास के ऊपर, उसके साइज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आप एक पत्थर फेंकिए, आप एक पेन फेंकिए, आप जो मर्जी फेंकिए, सभी के लिए ये वैल्यू कॉन्स्टेंट ही होगा। सो वी कैन से दैट दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी विच इज रिलीज, और वी कैन से इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, राइट, शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, उन पर कोई भी डिपेंड नहीं करता है। ओके तो आइए अब हम इसके लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस करते हैं। हमने जो पहले किया था मोशन इन वन डायमेंशन, दैट वाज अलोंग एक्स एक्सिस, हमने ऐसे लिया था ना कि दिस इज द ओरिजिन फ्रॉम वेयर द मोशन इज स्टार्टिंग, उसको हमने जीरो कहा था, एंड टुवर्ड एक्स एक्सिस हम मोशन को होता देख रहे थे, उसके हिसाब से वी विल डूइंग डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस की जगह इस मोशन को आप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ले लीजिए, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दिस इज टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये पॉइंट जहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई एम स्टार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रिलीजिंग सम स्टोन, आई एम रिलीजिंग द स्टोन फ्रॉम दिस पॉइंट ओ,
एंड देन आई एम ऑब्जर्विंग कि रिलीज करने के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, उसकी वेलोसिटी के ऊपर, एक्सेलेरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो एक्सेलेरेशन तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एग्री, एक्सेलेरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, और कितना एक्सेलेरेशन है, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन SI, राइट। ओके, अब जब इस बॉडी को यहाँ से रिलीज करेंगे इस जगह से, तो बॉडी का जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए हमें साइन कन्वेंशंस की बात करनी पड़ेगी। साइन कन्वेंशन मीन कहाँ को कौन चीज़ पॉजिटिव ली जाए और कहाँ को क्या चीज़ नेगेटिव ली जाए। तो हम जो सबसे पहला एक पॉसिबिलिटी दे रहे हैं साइन कन्वेंशन की, दैट कैन बी इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोशन कहाँ को ले रहे हैं। If motion of the body is along positive y-axis, that means आप यहाँ से motion start कर रहे हैं origin से, and the body is going in the upward direction. In that case, अब force कहाँ लग रहा है earth का, क्या वो ऊपर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो उस body पर कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। Therefore, acceleration कितना होगा उस body के ऊपर, क्या मोशन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, वी आर टू सी। तो क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, बट हमने क्या कहा, मोशन ऑफ द बॉडी इज अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मोशन यहाँ को, एक्सेलरेशन इधर को है, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी। तो जी का जो वैल्यू लेंगे उसको सबने माइनस लगा देना है हमने, राइट। सो मैग्नीट्यूड इसका फिर वही रहा, सेम इज द मैग्नीट्यूड, बट माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन कि ये कहाँ को है, तो मोशन के ऑपोजिट में है ये। और ये वाला साइन कन्वेंशन काफ़ी यूजफुल है, दैट मोशन इज टेकन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव। क्यों, हम एक दो एग्जांपल लेंगे, वहाँ से इस बात को जस्टिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे चेंज होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू प्लस ए, तो वॉट इज ए नाउ, ए इज माइनस जी इन टू टी, तुम्हारा इक्वेशन बन गया यू माइनस जी टी, एग्री, दिस इक्वेशन बिकम्स यू माइनस जी टी। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ऐसा लिख रहे हैं ना, तो हमने जी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस कर दिया हुआ है, डोंट डू कि आप जी को फिर से आप माइनस लिखेंगे 9.8, तो फिर से वो इक्वेशन नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट। तो इसलिए दिस इज़ बेटर कि आप समझें कि यू प्लस और जी के वैल्यू के साथ आपने माइनस साइन लगाना है। सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जहाँ ए है वहाँ भी माइनस जी लिख दिया जाए, राइट। एंड थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, तो ए को भी माइनस जी लिख दिया जाए, साथ में एस हो जाए। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, जो हमने डी एन कहा था, उसे क्या लिखा जाए, सो दैट विल बी इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, एंड दिस इज टू एन माइनस वन, तो यहाँ जहाँ ए लिखा है दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाई माइनस जी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। और हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मान लीजिए आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं, एंड यू रिलीज सम स्टोन, राइट, दिस इज से सम पॉइंट विच इज़ फार हाई फ्रॉम द अर्थ, एंड यू रिलीज द स्टोन फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड क्वेश्चन इज दैट आफ्टर टू सेकेंड्स वो स्टोन कहाँ पे होगा, वो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैन बी फाइंड। सिंपल सी बात है, हमें एस निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट अप्रोच। हम अभी जस्टिफाई करेंगे कि हमने ऐसा क्यों लिया कि मोशन विच इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसको हमने मोशन का डायरेक्शन लिया, और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या लिया हमने, माइनस जी लिया। और ऐसा करने से, और यदि हम उल्टा लेते हैं, उल्टा ऑप्शन क्या हो सकता है, जहाँ कहीं कन्वीनियंट हो, जहाँ कहीं कन्वीनियंट हो वहाँ पर आप डाउनवर्ड मोशन को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, दैट मीन इन सम केसेस व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट, क्योंकि तो आपके हाथ में है ना कि आप कहाँ को पॉजिटिव डायरेक्शन लेना चाहते हैं, तो व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट, अल्टरनेटिवली जो हमने अभी पिछला केस डिस्कस किया उसमें, व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट व्हाट यू कैन डू, बिकॉज बॉडी इज़ कमिंग डाउन, तो हम बोलते हैं बॉडी जब नीचे जा रही है तो हम मोशन का डायरेक्शन ऊपर क्यों लें, फिर नीचे लेते हैं, ओके ले लीजिए नीचे। एंड कौन सा एक्सिस है ये, द
देखिए हम बात करते हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज वाई, दिस इज माइनस वाई, दैट मीन माइनस वाई एक्सिस को आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना आप, तो माइनस वाई एक्सिस को आप ले रहे हैं मोशन का डायरेक्शन। तो ठीक है, इस केस में जहाँ को मोशन है वहीं को एक्सेलरेशन है, तो इस केस में ए को फिर जी लेना है, डोंट कन्फ्यूज, है ना, यहाँ ए को जी लेना है, तो मुझे ये लेना है या पिछला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जहाँ आपको सुविधा लगे, बट मैं अभी ये कह रहा हूँ कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ, तो उस चीज़ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई विल टेक बोथ द केसेस, ओके, ये ऑप्शन नंबर वन आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा लगता है कन्वीनियंट, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर वन ये है कि मैं यहाँ पर ए को लेता हूँ जी, एंड सेकेंड ऑप्शन में लेता हूँ मैं ए को माइनस जी, तो ऑब्वियसली ए जी ले रहा हूँ मैं, तो जिस तरफ मोशन का डायरेक्शन है उसी तरफ एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है, तो ए इज इक्वल टू जी, दैट मीन मोशन कहाँ पे ली, मोशन इज अलोंग माइनस वाई एक्सिस, इज इट, मैंने क्या कहा कि मोशन इज अलोंग माइनस वाई एक्सिस, तो ए को हमने यहाँ पे जी लेना है, फर्स्ट रूल। यहाँ बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन में, ए इज माइनस जी लेके चलना है, तो हम यहाँ पर मोशन ले रहे हैं अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, हालांकि ये कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हैं हम यहाँ पर कि बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम पॉइंट, तो बॉडी इज कमिंग डाउन, डिस्पाइट ऑफ दैट मैं क्या कह रहा हूँ कि मोशन इज अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो कि है नहीं, लेकिन साइन कन्वेंशन से एडजस्ट करके वी कैन मैनेज दैट, तो वाई एक्सिस, तो यहाँ पर जो ए होगा वो माइनस जी, और यही बता रहा है कि माइनस जी मीन साइन ऑफ द एक्सेलरेशन ग्रेविटी, दिस इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन, लेकिन यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, यहाँ पे जहाँ को मोशन हो रहा है एग्जैक्टली वहीं को एक्सेलेरेशन लिया है, तो यहाँ जी है। सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या था, आफ्टर टू सेकंड्स बॉडी कहाँ पे होगी, तो एस क्या होगा, यू, व्हाट इज यू, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, तो व्हेन यू रिलीज दिस पेन फ्रॉम हेयर व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी वाज, क्या आपने इसको नीचे फेंका, जोर से फेंका, बिल्कुल नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, तो जीरो इंटू टी, ओके, प्लस हाफ, एंड ए, चलो ए को हम रफली लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर होता है ना जी वैसे तो, पर हम रफली इसको 10 लेते हैं जरा न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने इसको 10 ले लिया, एंड दिस इज प्लस, दिस इज 10, एंड टी स्क्वायर, टू सेकेंड, टू स्क्वायर इज 4, तो 2 to the 4, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 20 meter, एंड दिस इज प्लस 20 meter, माइंड दिस थिंग, दिस इज प्लस 20 meter, राइट, दैट मीन्स बॉडी विल बी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 meter, ओके, बिल्कुल सही बात है, समझ आ गई बात हमें ये। अब देखिए हमारा वो वाला अप्रोच क्या कहता है, ये अप्रोच कहता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो a है वहाँ पर माइनस जी रखिएगा आप, क्योंकि हमने मोशन को लिया है अलॉन्ग द पॉजिटिव y एक्सिस को डायरेक्शन ऑफ मोशन लिए हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी, चलो जीरो हो गया, प्लस हाफ g का वैल्यू फिर से वही रखे आप माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखे आप यहाँ पर, एंड टी स्क्वायर 2 to the 4, सो एस इज कमिंग और टू वी जब सारा कैंसिल किया, दिस इज माइनस 20 meter, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 20 meter, दोनों में से कौन सा रिजल्ट हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रिलीज, आफ्टर टू सेकेंड दिस स्टोन विल बी 20 meter और माइनस 20 meter। आपको पता है कि यदि हम एक्सिस सिस्टम से बात करते हैं, दिस इज ओरिजन, दिस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, वाई एंड माइनस वाई, व्हेन आई से 20 meter, व्हाट डज इट मीन, इट मीन ओरिजन से 20 meter ऊपर, एंड व्हेन आई से माइनस 20 meter, तो वो कहाँ पे हुआ, वो ओरिजन से 20 meter नीचे हुआ, इज इट, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, क्योंकि हमने वाई एक्सिस को डायरेक्शन ऑफ मोशन लिया है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस शुड टेल अस कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन हेयर। यहाँ से रिलीज करने के बाद ये अप्रोच हमें क्या बता रही है कि बॉडी इज 20 meter, तो हमें कन्फ्यूजन हो गया कि 20 meter कहाँ को, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर मोशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड मोशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हमें उनको डिफरेंट ढंग से मैनेज करना पड़ता है, उनको एसोसिएट करना पड़ता है, तो वहाँ भी हमें ये वाली अप्रोच क्या बता रही है कि दिस बॉडी इज 20 meter हाई, यानी जहाँ से छोड़ा वहाँ से 20 meter ऊपर, और लेकिन ये अप्रोच क्या बता रही है कि जहाँ से छोड़ा वहाँ से 20 meter नीचे है, वो एक्सिस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, दैट इज वाई आई एम प्रेफरिंग द ऑप्शन नंबर टू। सो जहाँ कन्वीनियंट हो वहाँ ऐसा भी आप कर सकते हैं, जहाँ आपको ठीक लगे, जहाँ कोई रास्ता और नहीं दिखे, बट नॉर्मली मेक इट ए हैबिट कि हम मोशन अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लेंगे मोशन का डायरेक्शन, और उस केस में ए को लेके चलना है माइनस जी, एंड कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि सम स्टोन इज थ्रोन हाई
मैंने उसको ऊपर फेंका एंड देन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट इज़ कमिंग डाउन और नीचे पहुंच रहा है। तो यहाँ तो दोनों ही मोशन हो गए, अब यहाँ पर यहाँ तो मोशन ये वाली भी हो गई और ये वाली यानी अपवर्ड भी होगी डाउनवर्ड भी होगी। तो आपने सेम रूल चलना है यहाँ पर, सेम रूल। तो जहाँ भी हम क्वेश्चंस करेंगे व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड और डाउनवर्ड, जहाँ हमारी छोड़िए आप, इन एवरी केस इफ द मोशन इज टेकन ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस एक वैल्यू माइनस जी होगा एंड द मोशन इज टेकन ऑन माइनस वाई एक्सिस एक वैल्यू प्लस जी होगा। इज इट क्लियर? तो आइए आप कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से फ्री फॉल को समझने की कोशिश करते हैं। हम पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 4.0 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है कई बार कि ये अर्थ का सरफेस है और आप बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, इट इज थ्रोन अपवर्ड। तो कहाँ से फेंक रहे हैं, जिस जगह से फेंक रहे हैं, क्या वो सरफेस ऑफ अर्थ से फेंक रहे हैं या मान लें यहाँ पर कोई 3-4 मंजिला बिल्डिंग है आप उसके टॉप पे खड़ा होकर फेंक रहे हैं, किसी लेंटर पे खड़े हैं वहाँ से फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉल ऊपर फेंकेंगे ऐसे करके और बॉल नीचे आ जाएगी। तो जैसे ऊपर फेंकेंगे तो क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अपवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, वेलोसिटी घटेगी, अल्टीमेटली इट विल बिकम जीरो एंड द बॉल विल कम डाउन। तो हम जब कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो क्या ये हाइट इस पॉइंट की जहाँ पर ये बॉल मैक्सिमम जा पाई उस पॉइंट को चलो मैं ए कहता हूँ, तो ए का हाइट कहाँ से, क्या बी से यानी इस लेवल से या फिर सी से अर्थ के सरफेस से, क्या कहते हैं आप? दिस हाइट शुड बी फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज थ्रोन। तो ये वाला चीज़ यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, इसका कोई भी यहाँ पर रोल नहीं रहेगा, राइट? तो आप ये भूल जाएं कि आप किस जगह पर खड़े हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। तो पहली बात तो यह है कि हम अपवर्ड मोशन को ले रहे हैं अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो यू कैन राइट देयर कि लेट द पॉजिटिव वाई एक्सिस इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यू विल राइट इन द फर्स्ट लाइन कि लेट पॉजिटिव वाई एक्सिस इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू माइनस जी। और ये अपने मन में बिल्कुल बिठा लीजिए कि ए यहाँ माइनस जी आएगा। और दूसरी बात, हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होती है। एट हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन इज ज़ीरो। ध्यान रहे बात, जब हम कहते हैं कि हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं है। मान लीजिए इफ़ आई थ्रो सम ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड सीधा जाएगा वापस आएगा, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। यदि मैं कोई चीज़ ऐसे फेंकता हूँ, जैसे मैंने कोई थ्रो किया किसी स्टोन को इस तरह से, तो उसके हाइएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, माइंड दिस थिंग। वहाँ पर वेलोसिटी कुछ और ढंग से बात की जाती है, बात की जाएगी कमिंग चैप्टर में जब हम मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। एनी हाउ हम क्या कह रहे हैं, हाइएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, अलोंग द मोशन अंडर ग्रेविटी, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी अंडर ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में ही ऐसा होता है, राइट? दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर वी जीरो हो गया। सो व्हाट इज एस, तो एस इज इक्वल टू एस, हमें एस निकालना है ना। क्या होता है फार्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फार्मूला हो सकता है। और कोई फार्मूला याद आ रहा है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। क्या हमें यहाँ पर टाइम का जिक्र किया गया है, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सो वी विल यूज़ द फार्मूला वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज टू ए एस। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज टू ए एस, यू विल राइट देयर यूजिंग दिस फार्मूला, राइट, यूजिंग दिस। एंड जब ये मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना, तो आप एस को रिप्लेस कर सकते हैं वाई से भी। जब मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो आप S की जगह X भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो खैर मोशन लॉन्ग Y एक्सिस है, मैं इसको Y भी लिख सकता हूँ लिखना चाहूँ तो, और S ही लिखना है तो S भी कोई गलत नहीं है। तो S इज इक्वल टू V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2A। एंड वॉट इज़ V, V इज़ द फाइनल वेलोसिटी। अब ये टर्म पता है आपको क्या होती है, वेन आई एम थ्रोइंग समथिंग इनिशियल वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन डेट इज़ यू, द फाइनल वेलोसिटी इज़ वी। तो मैंने इस स्टोन को यहाँ से फेंका, इस बॉडी को, इस बॉल को यहाँ से फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी यू, और फाइनल हाइएस्ट पॉइंट पर, इस मोशन की बात यहाँ नहीं की गई है, एट अ फाइनल पॉइंट हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी हुआ जीरो। तो जीरो माइनस यू, एंड वॉट इज़ यू, 4.0 स्क्वायर।
divided by 2 into a. And what is a now? A is acceleration gravity, लेकिन this is 10 or minus 10. तो हमने क्या लिया है? Motion along the positive y axis को हमने लिया है direction motion का, इसलिए यहाँ पर a कितना आएगा? Minus g, क्योंकि a नीचे की ओर है. यहाँ पर basically this is minus 10. So this is minus 16 divided by minus 20. And this is equal to 16 by 20, and this is equal to 0.80, है ना? It was 4.0 लिखा था ना यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे? दो, तो यहाँ भी दो ही आएंगे. 0.80, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मीटर. दैट मीन द बॉडी इज गोइंग अप बाय दिस हाइट. इज इट क्लियर? तो इससे पहले कि हम कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेते हैं, लेट अस डू सम ग्राफ्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डिफरेंट केसेस? लाइक इफ आई टेक दिस इज ए टी ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इफ इट इज वी टी ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा? एंड इफ इट इज एस टी ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाई टी बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर को. तो हम एक्सेलरेशन को यहाँ प्लॉट करना चाहें तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे केस में हमने क्या लिया? इफ द मोशन इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन लिया हमने माइनस जी. दैट मीन एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ नहीं होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. इट शुड कम हियर, राइट? तो ये हो गया ओरिजन. दिस इज 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. यू कैन राइट हेयर, दिस इज अवर टाइम, एंड दिस टाइम इज इन सेकेंड्स, राइट? एंड वॉट इज एक्सेलरेशन हेयर? सो लेट अस प्लॉट एक्सेलरेशन हेयर. दिस इज 5, सो दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज माइनस 5 इन फैक्ट, दिस इज माइनस 10, दिस इज माइनस 15, एंड दिस वैल्यूज आर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ ए कितना होता है? हम अभी कहें कितना होता है, इट इज माइनस जी. This is minus g. This is minus 9.8 meter per second square, because its magnitude is 9.8 meter per second square. So, थोड़ा सा 10 से पीछे होगा. So, this is the line which is telling you कि time elapse होता रहेगा, लेकिन जो value है acceleration का वो constant ही रहेगा, because this is acceleration time graph. तो acceleration time graph में this is the value of g, which is equal to minus 9.8 meter per second square. Is it clear? हम इसी एक्सेलेशन को प्लॉट करते हैं वी टी ग्राफ से. क्या ये भी ऐसे ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या ये कौन सा था? दिस वाज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या यहाँ भी फोर्थ में जाएगा? ये बिल्कुल से ही ऐसे ही जाएगा. सो दिस इज अवर वी विच इज अलॉन्ग द माइनस वाई एक्सिस, माइनस वी हो गया ये. और यहाँ भी ऐसा ही करें, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ही टाइम आगे जाएगा, जैसे टाइम इलैप्स होगा, तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वेलोसिटी बढ़ती जा रही है? यस. और इसका जो स्लोप है, दैट शुड बी कमिंग कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलेरेशन का वैल्यू इज कांस्टेंट ना जी. अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट मीन एवरी 1 second देर इज इंक्रीज ऑफ 10. दिस इज माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40, एंड सो ऑन. तो ग्राफ ये ऑलमोस्ट बीच से क्रॉस करेगा, एंड दिस इज हैविंग द यूनिफॉर्म स्लोप रहेगा इसका. व्हाई? बिकॉज एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है, तो स्लोप चेंज नहीं होगा. तो वी टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वी नो इट वेल, हमने पहले पढ़ा ये कि व्हाट इज स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है. तो हम कहे थे ये होता है एक्सेलेरेशन. आप रिकॉल करें इस तरह से, क्या था वी, क्या था ये टी, क्या था, और ये लाइन बनाया था ना, तो इसका स्लोप क्या होता है? तो जैसे कोई भी दो पॉइंट लें, चलो मैं ये दो लेता हूँ पॉइंट, तो दिस परपेंडिकुलर बाय बेस इज द स्लोप, दैट शुड बी कांस्टेंट. इफ इट इज कांस्टेंट, दैट मीन एक्सेलेरेशन डज नॉट चेंज. और वही केस यहाँ पे है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा. दिस ऑल्सो टेल्स द स्लोप इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन. और यहाँ पे भी ग्राफ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनेगा, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट. सो हाउ द ग्राफ शुड बी? व्हेन द बॉडी इज अंडर फ्री फॉल, इट इज हैविंग, इफ सम बॉडी इज रिलीज्ड एंड इट इज कमिंग डाउन, सो इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है. क्यों? बिकॉज देर इज ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. तो इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा? सो दिस शुड बी द शेप ऑफ दिस ग्राफ. सो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए टी, ऑन वी टी, एंड ऑन वाई टी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. इज इट क्लियर? आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं, तो वहाँ से आपको और बातें क्लियर होंगी इसी के बारे में. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी.
अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. यानी ग्राउंड से आप 25 मीटर हाई कोई एक लेंटर है, कोई एक बिल्डिंग का टॉप है, अब वहाँ पर खड़े हैं. दिस इज 25 मीटर एंड इस जगह से आप बॉल फेंकते हैं, ऊपर बॉल नीचे आ रही है. और हाउ हाई द बॉल विल राइज, बॉल कितना हाई जाएगी, दूसरी बात हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड. और यहाँ से ये बॉल यदि ग्राउंड की तरफ, यदि ऐसे करके आप बिल्कुल किनारे खड़े हैं, मान लीजिए इधर खड़े हैं, और यहाँ से बॉल फेंके और बॉल नीचे आती है, तो वो नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा. ऑब्वियसली वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पहले ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो वही पिछले वाला क्वेश्चन से शुरू करें कि फर्स्ट लाइन क्या लिखी जाएगी कि लेट द मोशन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट. एंड यू विल राइट हियर देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस जी. सो फर्स्ट केस में यू इज गिवन, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड हाउ हाई द बॉल विल राइज. तो यहाँ से ही शुरू करेंगे ऑब्वियसली इस पॉइंट से, और यहाँ से हाउ हाई, तो यहाँ पर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो. तो हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ यहाँ पर एस निकालना है एंड ए का वैल्यू पता है, दिस इज माइनस जी, इज इट, दिस इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. तो एस कितना हो गया, दिस इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a. यू कैन राइट हियर कि हमने कैसे लिखा, तो यूजिंग फार्मूला है ना, पूरा लिख लें पहले एक बार आप, कौन सा फार्मूला, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. सो वट इज एस, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a. सो वट इज वी, 0, एंड वट इज यू, यू इज 20 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए इज माइनस 10. दिस इज माइनस 400 डिवाइडेड बाई माइनस 20 एंड दैट कम्स आउट टू बी 20 मीटर. दैट मीन इस पॉइंट से जो रेफरेंस पॉइंट था उससे 20 मीटर ऊपर. सो दिस इज 20 मीटर. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज ओवर. नाउ लेट अस टू सेकेंड पार्ट. अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, विच इज़ अवे टेक्निकल. देखिए जरा अपने नॉलेज को परखिएगा कि आप कितने बातों को याद रख पा रहे हैं. दिस इज़ द अर्थ सरफेस और यहाँ पे बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के हमने इस जगह से बॉल को फेंका है, बॉल यहाँ पर आती है, राइट. हमें बताना है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग द बॉल इज हेयर. हमें टी निकालना है. यहाँ पर जो डेटा पता है हमें, दिस इज़ गिवन, दिस इज 25.0 मीटर, दिस इज 25 मीटर एंड अभी निकाला हमने, दिस इज 20 मीटर, राइट. तो बॉल यहाँ से पहले ये 20 मीटर ऊपर गया एंड देन 20 इधर एंड 25, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया इसने यहाँ से यहाँ जाने में 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 20 और फिर यहाँ पे ना टाइम पूछा कि कितने टाइम में बॉल नीचे ग्राउंड को हिट करेगी, तो 25 और. सो इन ऑल दिस इज 65 मीटर सफ़र कवर करना पड़ गया इस बॉल को, 20 + 20 + 25. ओके, फिर से वही बात लिखेंगे बी पार्ट में भी कि लेट अस टेक द मोशन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो यूजिंग द फार्मूला और लिखने पहले क्या क्या दिया है आपको यहाँ पर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज गिवन, एवरीथिंग इज नोन, टाइम इज टू बी फाउंड, यू पता है हमें, वी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यहाँ पर वी की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम कौन सा लगाएं फार्मूला, उसके हिसाब से लिखते हैं वैल्यूज को. तो हम लगाने जा रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें टाइम निकालना है. तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, एक्सीलेशन पता है आप कितना होता है, तो यू और ए, ए इज माइनस जी, दिस इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू इज ऑल्सो गिवन, जब आपने बॉल को फेंका था इनिशियल पॉइंट से, बिकॉज हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे फोकस करना है, तो यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने मोशन अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस को ही माना है कि दिस इज द मोशन ऑफ द बॉडी, राइट. तो यू में भी कोई डॉट नहीं रहा, बट इज एस, क्या एस को मैं 65 लिखूं प्लस और माइनस. तो आंसर ये है इसका कि एस यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होता, हमने बात की थी उस फार्मूला में, एस इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जिस पॉइंट से आपने बॉल को ऊपर फेंका जब, और बॉल इनिशियल पॉइंट से फाइनल कहाँ पहुँची, कहाँ कहाँ से गई, बीच में क्या हुआ इसके साथ, वो हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है. बॉल कहाँ से चली और कहाँ जाकर पहुँची, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, हमें सिर्फ यही डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है. याद आ गया व्हाट डिस्प्लेसमेंट वाज, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज 25 मीटर. लेकिन ये 25 मीटर क्या ऊपर की तरफ है, देखिए हुआ ना इसका फ़ायदा,
जब हम ये पहले बात क्लियर कर रहे हैं कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो यदि कोई डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा तो उसको क्या लिखना चाहिए, दिस शुड बी -25 meters, एग्री यस और नो? क्योंकि इस पॉइंट से हम 25 मीटर नीचे पहुंच रहे हैं, इसलिए दिस शुड बी -25 meters। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो एस कितना हुआ, -25, यू इज गिवन, दिस इज 20, पॉजिटिव 20, वाई, बिकॉज द बॉल वॉज थ्रोन अपवर्ड, 20t प्लस 1/2 एंड ए इज ऑल्सो टेक केयर -10 हेयर, वैसे -9.8 चाहिए लेकिन इस क्वेश्चन में दे आर गिविंग कि यू कैन टेक इट एज -10, तो -10 यदि नहीं गिवन होगा तो आपको फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, दिस इज टी स्क्वेयर। तो ये तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, दिस इज -25 एंड दिस इज 20t, दिस इज 2 5, सो दिस इज -5t square, इसको अरेंज कर लीजिए, दिस इज 5t square कम्स द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज -20t एंड दिस इज -25 इज इक्वल टू 0, 5 से हर एक टर्म को हम कैंसिल कर देते हैं, दिस इज टी स्क्वेयर, दिस इज -4t एंड दिस इज -5 इज इक्वल टू 0, सो नाउ द इक्वेशन इज टी स्क्वेयर -4t -5 इज इक्वल टू 0 एंड यू नो इट वेल हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड दैट बिकम्स -5t + t, बिकॉज -5t + t गिव्स यू -4t एंड इट प्रोडक्ट गिव्स यू -5t square, दिस इज -5 इज इक्वल टू 0 एंड टी आउट ऑफ दीज टू टर्म्स, टी इज कॉमन, दिस इज टी -5 एंड फ्रॉम यर 1 इज कॉमन, दिस इज टी -5 इज इक्वल टू 0, सो टी -5 एंड दिस इज टी +1 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट टी इज इक्वल टू 5 और टी इज इक्वल टू -1, दिस इज नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज टाइम इज नेवर नेगेटिव, सो दिस इज ड्रॉप्ड, सो वी आर लेफ्ट विथ टी इज इक्वल टू 5, सो अवर टाइम इज इक्वल टू 5 seconds, सो आफ्टर 5 seconds द बॉल हिट्स द ग्राउंड, दिस इज हाउ वी डिड। तो साइन कन्वेंशन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हमें, अभी भी कोई डाउट है तो इसको फिर से देखिए क्वेश्चन को हमने कैसे किया, तो जो रेफरेंस पॉइंट था जहाँ से बॉल को रिलीज किया जाता है, जहाँ से बॉल को फेंका जाता है, उस पॉइंट के रेफरेंस में हाइट ऊपर होगी तो इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ बिलो इट इज़ नेगेटिव, राइट? इसके बाद हम दो और वीडियोज़ करेंगे, वो लिटरली इसके साथ बिल्कुल लिंक होंगे और उन वीडियोस को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, इसके साथ जोड़ के देखिएगा, तो आपको इन तीनों वीडियोस को एसोसिएट करके बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो 1 or 2 days में रिलीज़ हो जाएंगे दोनों के दोनों, और एक एक्टिविटी बेस्ड वीडियो रहेगा उसमें, सो एन्जॉय दिस कॉन्सेप्ट, दिस वॉज द मोशन अंडर फ्री फॉल व्हेन ए बॉडी इज रिलीज एंड इट इज़ कमिंग ओनली अंडर द ग्रेविटी, no other force acts on it, if you neglect the effect of air resistance then the body is coming down only under the free fall acceleration, and how we took the sign conventions, this was all for today, please take care.